हेलो पटना, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स पे। आप मेरे से मेरे आप पीछे देख रहे हैं पटना का जो है बुद्धा स्मृति पार्क। और जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ था, मैं आपको नई नई जगहों पे पटना के सैर कराऊंगा। तो आप अभी हमारे साथ पटना के बुद्धा स्मृति पार्क में हैं और प्लीज़ यूँ ही हमारे ब्लॉग्स को, हमारे चैनल को यूँ ही देखते रहें। और मैं आपको नई जगह विजिट कराने जा रहा, आज मैं आपको घुमाने लेके जा रहा हूँ पटना का बुद्धा स्मृति पार्क। तो पटना, कैसे हैं आप? और मुझे उम्मीद है आपको इस जगह को देख के बहुत ही मज़ा आएगा और आप बहुत ही इन्जॉय करेंगे। तो हमारे चैनल पे अंत तक बने रहें और हमें लाइक करना, हमारे ब्लॉग्स को लाइक करना, हमारे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। ये देखिए पटना, ये सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया जो है स्तूप आपको दिख रहा है। और मैंने आपको बताया हुआ था कि ये पटना का बुद्धा स्मृति पार्क है और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा स्तूप बना हुआ है पार्क के बीचों बीच। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार आवाज़ आ रही है बुद्धम शरणम गच्छामी की। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा पार्क है ये। आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ आ सकते हैं, घूम सकते हैं और इस पार्क में एंजॉय कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लायक। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा शानदार सा म्यूज़ियम है और पीछे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा, एक सुंदर सा जो है वो क्या कहते हैं स्तूप है। स्तूप के चारों तरफ आप घूम सकते हैं, स्तूप को आप चारों तरफ स्तूप के गो अराउंड मतलब कि चक्कर लगा सकते हैं। और हमारे साथ यूं ही ऐसे ही इस वीडियो पे बने रहें अंत तक। हाँ, तो पटना आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सामने लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति है जिसको कि मैं आपको दिखा रहा। और ये जो है ये मूर्ति बिल्कुल बुद्धा स्मृति पार्क के एकदम साइड में एक कॉर्नर पे बनी हुई है। यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, देख सकते हैं इस मूर्ति को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा जो है नज़ारा है। तो आप यहाँ पे आएँ, एक बार विजिट करें और आप इस मूर्ति का ज़रूर एक बार दर्शन करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने में स्तूप है और ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स हैं और बिल्कुल ये स्टेशन रोड के समीप है, स्टेशन रोड के पास ही में है, या यू कह लें स्टेशन रोड पे ही है। पटना स्टेशन से, पटना रेलवे स्टेशन से मतलब मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, तो पटना जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पे स्तूप के सामने खड़ा हूँ। ये रहा वो स्तूप, बौद्ध स्तूप जो कि पटना बुद्धा स्मृति पार्क के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। सामने चमकती हुई सुंदर सी शीशे वाली ये जो बिल्डिंग देख रही, यही जो है वो स्तूप है जो पार्क के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरी पार्क दिखा रहा। हाँ, तो पटना ये रहा बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही शानदार सा नज़ारा जिसको कि आप देख रहे हैं। और इस नज़ारे को देख करके कोई भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाए। सामने स्तूप और दूर दूर तक फैली हुई घास की मैदान और पार्क जिसको आप कह सकते हैं। और आप यहाँ पे ज़रूर घूमने आएँ, इस सुंदर से पार्क का दीदार करने आएँ और यूँ ही आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और आप मेरे साथ अंत तक हमारे चैनल पर बने रहें, इस वीडियो पर बने रहें। आप देख पा रहे हैं ऊंची ऊंची शानदार सी बिल्डिंग्स और बीच में बना हुआ है सुंदर सा स्तूप जिसका नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा। और मैं अभी स्तूप पे चढ़ने जा रहा और मैं आपको दिखाऊंगा कितना बढ़िया, कितना सुंदर सा ये नज़ारा होगा। और आप यूं ही हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें और इस ब्लॉग्स को दोस्तों बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, मैं हूँ आनंद और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं पटना ब्लॉगर्स, और आपका हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स पे स्वागत है।
हेलो पटना, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स पे। और मैं आपको दिखाने जा रहा पटना का शानदार बढ़िया सा सुंदर सा बुद्धा स्मृति पार्क। और आपके सामने बढ़िया सा सुंदर सा बुद्धा स्मृति पार्क है जिसका नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा। और क्या शानदार, क्या बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया सा व्यू है यार, किसी का भी मन मोह ले। तो हमारे चैनल पर यूं ही ऐसे ही बने रहें ऐसे ऐसे सुंदर वीडियोज़ के लिए। जैसा कि आप फ्रेंड्स मालूम ही आपको, स्तूप क्या होता है आपको बता दूँ। स्तूप क्या होता है, स्तूप के नीचे कहते हैं कि महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के शिष्यों की जो है वो बॉडी पार्ट्स, मतलब जिसको बोलते हैं ना अस्थियां दबी होती हैं। ये देखिए ऊपर से हमारे आसमान के ऊपर से हमारे जो है वो हवाई जहाज गुजर रहा है, एरोप्लेन गुजर रहा है। हेलो पटना, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स पे। ये रहा मेरे पीछे पटना का बहुत ही शानदार सा बुद्धा स्मृति पार्क जिसको कि मैं आपको घुमाने लेके जा रहा हूं। तो अंत तक यूं ही हमारे साथ बने रहें इस वीडियो पे और देखें पटना का बुद्धा स्मृति पार्क। हाँ तो पटना, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं स्तूप पे चढ़ने जा रहा और धीरे धीरे मैं स्तूप पे चढ़ रहा हूँ और मुझे स्तूप का पूरा गोल चक्कर लगाना है। तो आप देखेंगे कितना सुंदर, कितना बढ़िया सा, कितना शानदार सा स्तूप है और हम इस पे जो है चढ़ने जा रहे हैं। और मैं चढ़ने के बाद पूरा का पूरा नज़ारा कैसा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए वही स्तूप है जिस पर कि मैं चढ़ने जा रहा। मैं स्तूप का एक गोल चक्कर लगाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कितना बढ़िया, कितना शानदार सा वो नज़ारा होगा, कितना बढ़िया, कितना शानदार सा वो व्यू होगा। और सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की भीड़ है, हज़ारों की लोगों की जो है भीड़ है और लोग जो है इस पार्क का मज़ा ले रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं और इस पार्क का मज़ा ले सकते हैं। ये बिल्कुल पटना के बिल्कुल बीचों बीच है, पटना का हार्ट, पटना स्टेशन के बिल्कुल करीब में है। वाओ क्या बढ़िया सा, कितना शानदार सा नज़ारा है पटना। आप देख रहे हैं सामने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बीच में बना हुआ ये स्तूप। क्या बढ़िया, क्या शानदार सा नज़ारा है पटना। इस नज़ारे के लिए प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को बिल्कुल एक लाइक तो बिल्कुल बनता है यार, लाइक प्लीज़ करना ना भूलें चैनल को। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं स्तूप पर चढ़ चुका हूँ और स्तूप के अंदर हम जा रहे हैं अभी। और मैं आपको स्तूप के अंदर का मैं पूरा का आपको व्यू दिखाऊंगा कैसा लग रहा है, कितना बढ़िया सा, कितना अच्छा सा दृश्य है। आप यूँ ऐसे ही हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पे और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। और सामने बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा व्यू है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने एक छोटा सा पार्क है और साइड साइड में आपने देखा ही होगा छोटी सी जो है वो पॉन्ड टाइप की बनी हुई है जिसमें कि पानी जो है वो जमा हुआ है, पानी स्टोर करके रखा हुआ है। और चारों तरफ में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और वाकई में सनसेट का समय है। देखिए सामने यूं ही सामने मैं आपको सनसेट दिखा रहा हूँ, सनसेट का समय है और काफ़ी ढेर सारे लोग जो है इस व्यू का मज़ा ले रहे हैं। हेलो पटना, मैं हूं आनंद और अभी आप हमारा चैनल देख रहे हैं पटना ब्लॉगर्स और मैं भी आपके सामने हूं पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास। और मैं आपको दिखाने जा रहा पटना का बुद्धा स्मृति पार्क कैसा दिखता है। तो पीछे आप देख रहे हैं पटना का बुद्धा स्मृति पार्क और यूं ही आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। और मैंने आपको इसका विजिट कराया है तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।